हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय और आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। हाँ, ये पूरा वीडियो में आप बोर नहीं होगे, बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी आप कुछ वर्क करते हो तो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखना, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ भी हम नया वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले निगेटिविटी ही आती है, निगेटिव थॉट ही आते हैं। खुद के ऊपर हम क्या करते हैं, भरोसा नहीं रखते, खुद के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं रखते। तो ये गलती मत करना, लाइफ में सब पॉसिबल है, खुद के ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए, भले ही सामने वाले का आपके ऊपर ट्रस्ट हो या ना हो, बट खुद का ट्रस्ट खुद के ऊपर होना चाहिए, ये मेन बात है, ठीक है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ अपने लाइफ का। देखो, अब बहुत सालों पहले ना, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, सीख रहा था, तो वहां के एक सर ने मुझे बताया था कि सर देखो अक्षय, तुम लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारे पास ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, और तुम सभी कंटेंट जो है तुम हिंदी में ही बना रहे हो, लेकिन हिंदी में बनाओगे तो ग्रो नहीं होगे भाई साहब, इंग्लिश में बनाना पड़ेगा। सो वही मैं डीमोटिवेट हो गया, टाइम पास करता रहा, सैड हो गया, कुछ करने का मन नहीं हुआ, बट देन आई नोटिस कि नहीं भैया, आप कुछ भी कर सकते हो। तब मैंने क्या किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे कोर्स में एनरोल कर लिया, और मेन चीज हार्डवर्क करते रहा। एक साल तक मैंने लोगों के लिए फ्री में वर्क किया, ताकि वो स्किल मुझे स्ट्रांग बनाए, ताकि वो स्किल में मैं स्ट्रांग बन जाऊं। तो ये सब कुछ करने के बाद देन आई नोटिस, अभी मैं क्या क्या करता हूँ, अभी मैं MBA वालों को ट्रेन करता हूँ, उनको कोचिंग लेता हूँ, वर्कशॉप अरेंज करता हूँ, और बहुत सारे कंपनियों के जो सोशल मीडिया हैंडल है ना, वो सब कुछ हम ही मैनेज करते हैं, और ये सब कुछ हम कर रहे हैं हिंदी में। और हाँ, दो बुक भी लिखी हुई है, और वो बुक भी है हिंदी में। सो यहां से एक बात साबित होती है, देखो कोई भी बंदा तुमको कुछ भी बोले, अगर आपसे वो बंदा बड़ा है छोटा है डोंट मैटर, अगर वो आपको कुछ भी बोले तो खुद के ऊपर नेगेटिविटी का असर मत होने दो। लाइफ में तुम सब कुछ कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास स्किल है, अगर वो चीज करने की शक्ति है, वो चीज करने के लिए तुम हार्डवर्क कर सकते हो, दिन रात मेहनत कर सकते हो, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी के बोलने पे खुद के ऊपर असर मत होने दो, ठीक है। क्योंकि अभी जो बिगिनर्स जो लोग होते हैं ना, वो जरा जरा सी बात पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो तुम्हें आके कुछ भी कोई भी बोले तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे पास दिमाग है, सब कुछ है, मेहनत करो, दिन रात हार्डवर्क करो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, किसी की तुमको जरूरत नहीं, बात का ध्यान रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखो, लोग खुद को कमजोर समझते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा खुद को कमजोर समझता था जब मैंने बुक लिखी थी नई सोच करके। जब मैं बुक लिख रहा था ना, तब मैं खुद को ही डीमोटिवेट करता था, मैं भी नई बुक है तो कैसे लोगों को लगेगी या कैसे लगेगी, अगर बुरी लगी तो लोग हंसेंगे, तो इस टाइप के फालतू के सवाल आ रहे थे। बट वो सब कुछ मैंने सवालों को, निगेटिविटी को डिलीट कर दिया और पूरी बुक लिख डाली, और अब उस बुक को 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं। सो देखो, तुम आप लोगों के साथ भी होता होगा यार, कुछ नई चीज अगर आप कर रहे हो तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर उस चीज को बंद मत कर दो, उस चीज को करते रहो, नेगेटिविटी को सोचो ही मत। अगर तुमको चीज सही लग रही है ना, उसके ऊपर जी जान डाल लो, 100% उस पर हार्डवर्क करो, और चीज सक्सेसफुल होगी। देखो एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में टाइम वेस्ट मत करना, दिन रात मेहनत करते रहना, लोगों के नेगेटिविटी का अपने ऊपर असर मत होने देना, ये चीजें तुम फॉलो करो, लाइफ में तुम सक्सेसफुल बन जाओ।